मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, जिसने कत्ल किया उसको भी वैसे ही सजा दी जाए, क्योंकि वो नाहक कत्ल हुआ किसी का, बच्ची का, तो इसलिए उसको भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। और जो जो इसमें शामिल थे ना, उन सबको मेरी यही रिक्वेस्ट होगी अदालत से और सबसे, पाकिस्तान के हुकूमत से भी, इसको इंसाफ दिया जाए और इसको जो है जल्द से जल्द इंसाफ हो, मेरी बच्ची के कातिलों को सजा दी जाए। मैं चैन से नहीं रह रही, मैं सो नहीं सकती हूँ, आपको पता नहीं है, मैं दिन रात जो है अपनी बच्ची के लिए, मेरी बच्ची जो थी मेरे घर की, आपको पता है रौनक थी, बहुत ही अच्छी बच्ची थी, फरमा बरदार हम लोग की, इतना ख्याल करती थी हम दोनों का, मैं आपको बता नहीं सकती। वो चलते फिरते हमें हर वक्त लम्हे लम्हे हमें नजर आती कि अभी आई अभी आई अभी आई, और जब वो नहीं होती तो आपको पता एक माँ का कलेजा कैसे फटता है। दिन रात में इसी को देखती रहती हूँ, अपने घर में ढूंढती रहती हूँ उसको, बस मुझे इंसाफ दे दीजिए, जल्द से जल्द मुझे इंसाफ दे दीजिए, हमें जब तक चैन नहीं आएगा तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। बड़ी बहन इतनी बुझ गई है, भाई इतना बुझ गया, क्योंकि वो सबसे छोटी थी ना घर, हर एक के साथ उसकी दोस्ती डिफरेंट थी, वो बिल्कुल बेबीज की तरह सब उसको ट्रीट करते थे। वो बड़ी बहन जो है वो ढूंढती रहती है, कहती है अम्मी मैं क्या करूं, मुझे नूर बहुत दिन हो गए मिली नहीं अम्मी। फिर हम चले जाते उसके पास, उसके पास बैठ के बातें करती हैं, और वहीं बैठ के हम कुरान पढ़ते, वहीं बैठ के बातें करते उससे। ये बाप भी वो नीचे ही बैठा रहते बेचारे, उसके कमरे के सामने वहीं बैठ के कुरान पढ़ते रहते, वहीं अपना बैठे रहते, वो सारा दिन वहीं बैठते, ऊपर तो आते ही नहीं। तो फिर आप खुद सोचे कितने हम लोग दुखी हैं, कितने अंदर से दुखी हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें हम हमारे घर में कोई रोया ना हो या कुछ ना हो, सब चुप चुप से हो गए, अपने अपने चुप चुप होते हैं, और सब बस दुआएं ही मांगते रहते हैं, और अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ही हमारा वो है, वो सब जानता है, सब दिलों के हाल जानता है। हमारी बेटी तो बहुत नेक बच्ची थी, बहुत ही फरमाबरदार, नमाज 5 वक्त सलाम लगा के उठना फजर में, खुद ही सबसे हमदर्द थी, सबके साथ सॉफ्ट स्पोकन, सबका दिल, बच्चे अगर कोई अकेले बैठे हों तो उसके पास चली जाती थी, उनके साथ खेलना शुरू कर देती थी। हमारे साथ भी एक भाई आए हैं, वो हमारे कोरिया के फ्रेंड, उनकी बेटी बोलती है छोटी के आप ही के कोई दोस्त नहीं आते थे, वो मेरे साथ आके खेलती थी, वो ये एक मेरे साथ खेलती थी आके, वो हर एक के साथ ऐसे करती थी। महफिल में कोई अगर अलग सा दिखेगा तो उसको लगता है ये लोनली फील कर रहा है, तो उसके पास चली जाती थी। घर में भी उसको फील हो जाता था कि कोई खामोश है, तो फौरन समझ जाती थी क्या है क्या बात है। ऐसी बच्ची थी, वो दिल पहचान जाती थी, वो हर एक को सही राह लाने की कोशिश में लगी रहती थी, सीधी बात बताती थी सबको, बहुत ही अलग बच्ची थी।